प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राज्य की यात्रा समाप्त हो चुकी है। इस दौरान बहुत से ऐसे पल आए जिन्हें शायद न अमेरिका और न ही भारत कभी भुला पाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा ऐतिहासिक हो गई है, जो सबके मन में गहरी छाप छोड़ गई है। चाहे वो पीएम मोदी खुद हों या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर जिल बाइडेन या फिर कमला हैरिस या फिर अमेरिका में रह रहे भारतीय या फिर अमेरिकी, जो पीएम मोदी के व्यक्तित्व के कायल हो गए हैं। कुछ ऐसी रही है पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा। इस दौरान यात्रा की शुरुआत में ही एक ऐसा मौका भी आया जब जो बाइडेन और पीएम मोदी दोनों एक साथ खड़े थे। दोनों के हाथ में एक एक गिलास था। जो बाइडेन कुछ कह रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। ये मौका था पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के आयोजन का। इस खास डिनर में कई भारतीय और अमेरिकी भी शामिल हुए थे। इसी मौके पर पीएम मोदी और जो बाइडेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन चीयर्स करते नजर आ रहे हैं। इस शानदार कार्यक्रम में दोनों राजनेताओं के बीच की केमिस्ट्री देखते ही दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती भी साफ बयान हो रही थी। दोनों के हाथ में ड्रिंक्स थी, जिसे दोनों देशों की साझेदारी के लिए, लोगों के लिए, आगे की संभावनाओं के लिए, दो दोस्तों, दो महान राष्ट्रों और दो उभरती हुई ताकतों के रिश्ते के लिए टोस्ट किया था। बाइडेन ने कहा, मेरे दादा कहते थे कि अगर आपके गिलास में शराब नहीं है तो आपको अपने बाएं हाथ से टोस्ट करना चाहिए। आप सभी लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइडेन ने कहा, हम दोनों शराब नहीं पीते। और बाइडेन के इतना कहते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़े। बाइडेन के बयान का हिंदी ट्रांसलेशन होने के बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें, हमारे कैम्ब्रोस थे जो उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से अपना ग्लास उठाएं। और मुझे लगा था हमारे पास पहले कोई ग्लास नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जिंजर एल है। Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं। देखा आपने कैसे हंसी के ठहाकों के बाद दोनों नेताओं ने चीयर्स किया और जिंजर एले पिया। वहां मौजूद लोग भी एक दूसरे को चीयर्स करते हुए पेय पदार्थ पीते हैं। चलिए जानते हैं कि जिंजर एले क्या होता है, जिसे शराब नहीं पीने वाले पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिया। क्या होता है जिंजर एले? जिंजर एले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। ये पेय पदार्थ पाचन में सहायता कर सकता है। इस पेय पदार्थ से माइग्रेन के इलाज में काफी मदद मिलती है। जिंजर एले शारीरिक हाइड्रेशन के स्तर को बनाए रखता है और थकान और जोड़ों के दर्द में काफी फायदेमंद होता है। इस खास मौके पर जब दोनों नेताओं में से कोई भी शराब पीने वाला नहीं है तो दोनों ने जिंजर एले ही पिया और इस मौके पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वैसे आप पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच इस बातचीत से क्या समझे? दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देखकर आपको क्या समझ आया? जिंजर एले का जिस तरह से शराब की जगह पर दोनों नेताओं ने सेवन किया और जो अपने दादाजी का किस्सा भी जो बाइडेन ने सुनाया, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।